कर्नाटक में कांग्रेस को मिली बड़ी चुनावी जीत के बाद अब कांग्रेस अपने उस चुनावी वादे को अमल में लाने की तैयारी कर रही है जिसमें उसने कहा था कि बजरंग दल या PFI जैसे संगठनों को सत्ता में आने पर वो प्रतिबंधित करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक के सिद्धारमैया सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि ऐसे कोई भी राजनीतिक या धार्मिक संगठन जो कर्नाटक में असमंजस और असंतोष की स्थिति पैदा कर रहे हैं, हम उनसे न केवल कानूनी बल्कि संवैधानिक तौर पर भी निपटेंगे। प्रियांक खड़गे ने आगे कहा कि उनकी सरकार भाजपा सरकार द्वारा बनाए गए हिजाब और गौवध से जुड़े कानूनों को भी वापस लेने की तैयारी कर रही है। बता दें कि कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में PFI और बजरंग दल जैसे संगठनों पर बैन लगाने की बात कही थी। इसे BJP ने चुनावी मुद्दा भी बनाया था, लेकिन कांग्रेस अपने वादों से जनता को लुभाने में कामयाब रही और पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाई। बंगाल हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट एक सामाजिक संस्था है और इसके फाउंडर शेख जुल्फिकार अली हमेशा लोगों के भलाई के लिए जमीनी स्तर से जुड़े हुए काम करते हैं। ये संस्था लोगों के जरूरतों को पूरा करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। कर्नाटक में कांग्रेस को मिली बड़ी चुनावी जीत के बाद अब कांग्रेस अपने उस चुनावी वादे को अमल में लाने की तैयारी कर रही है जिसमें उसने कहा था कि बजरंग दल या PFI जैसे संगठनों को सत्ता में आने पर वो प्रतिबंधित करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक के सिद्धारमैया सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि ऐसे कोई भी राजनीतिक या धार्मिक संगठन जो कर्नाटक में असमंजस और असंतोष की स्थिति पैदा कर रहे हैं, हम उनसे न केवल कानूनी बल्कि संवैधानिक तौर पर भी निपटेंगे। प्रियांक खड़गे ने आगे कहा कि उनकी सरकार भाजपा सरकार द्वारा बनाए गए हिजाब और गौवध से जुड़े कानूनों को भी वापस लेने की तैयारी कर रही है। बता दें कि कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में PFI और बजरंग दल जैसे संगठनों पर बैन लगाने की बात कही थी। इसे BJP ने चुनावी मुद्दा भी बनाया था, लेकिन कांग्रेस अपने वादों से जनता को लुभाने में कामयाब रही और पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाई। बंगाल हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट एक सामाजिक संस्था है और इसके फाउंडर शेख जुल्फिकार अली हमेशा लोगों के भलाई के लिए जमीनी स्तर से जुड़े हुए काम करते हैं। ये संस्था लोगों के जरूरतों को पूरा करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। कर्नाटक में कांग्रेस को मिली बड़ी चुनावी जीत के बाद अब कांग्रेस अपने उस चुनावी वादे को अमल में लाने की तैयारी कर रही है जिसमें उसने कहा था कि बजरंग दल या PFI जैसे संगठनों को सत्ता में आने पर वो प्रतिबंधित करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक के सिद्धारमैया सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि ऐसे कोई भी राजनीतिक या धार्मिक संगठन जो कर्नाटक में असमंजस और असंतोष की स्थिति पैदा कर रहे हैं, हम उनसे न केवल कानूनी बल्कि संवैधानिक तौर पर भी निपटेंगे। प्रियांक खड़गे ने आगे कहा कि उनकी सरकार भाजपा सरकार द्वारा बनाए गए हिजाब और गौवध से जुड़े कानूनों को भी वापस लेने की तैयारी कर रही है। बता दें कि कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में PFI और बजरंग दल जैसे संगठनों पर बैन लगाने की बात कही थी। इसे BJP ने चुनावी मुद्दा भी बनाया था, लेकिन कांग्रेस अपने वादों से जनता को लुभाने में कामयाब रही और पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाई। बंगाल हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट एक सामाजिक संस्था है और इसके फाउंडर शेख जुल्फिकार अली हमेशा लोगों के भलाई के लिए जमीनी स्तर से जुड़े हुए काम करते हैं। ये संस्था लोगों के जरूरतों को पूरा करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है।